बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार पर मुनव्वर ने कर दिया ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को एक्सपोज। अंकिता लोखंडे के लिए की ऐसी बात जिसे सुनकर घर वाले भी हो गए शॉक। अब ऐश्वर्या की हुई बोलती बंद, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। भले ही मुनव्वर फरूकी अपने रिलेशनशिप में एक्सपोज हो गए हैं, कुछ दिनों से मुनव्वर का गेम जो है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है जैसा कि पहले दिन से था। मुनव्वर से एक्सपेक्टेशन बहुत थी लोगों की, लेकिन मुनव्वर जो है वो अपने गेम में थोड़ा सा पीछे आए हैं। मुनव्वर को जब से आयशा खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तब से मुनव्वर की भी बोलती बंद हो गई है शो में, लेकिन मुनव्वर को मास्टर माइंड माना जाता है। मुनव्वर ने हर बार जब भी कोई बात कही है, जिस भी कॉन्ट्रोवर्सी पर कही है, वो अपनी निष्पक्ष बात रखने के लिए जाना जाता है। और मुनव्वर इस बार एक बार फिर ऐश्वर्या, अंकिता, नील और विक्की की लड़ाई में ऐसी बात ऐश्वर्या शर्मा को बोल दी है जिसके बाद ऐश्वर्या जलकर हो गई है लाल। ऐश्वर्या शर्मा की लड़ाई तो सबसे होती रही है, चाहे वो मुनव्वर क्यों ना हो, नील और अंकिता क्यों ना हो, लेकिन एक बात आपको मानना होगा कि हमेशा ऐश्वर्या शर्मा लाइमलाइट में तभी आई है जब वो अंकिता से लड़ती हैं। उनको पता है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, अंकिता बहुत स्ट्रांग है, अंकिता की फैन फॉलोइंग भी वैसी पॉजिटिवनेस से सपोर्ट कर रही है। आखिर ऐश्वर्या को बाहर जनता उतना प्यार क्यों नहीं दे रही है? तो इसकी बड़ी वजह है कि ऐश्वर्या शर्मा का नेचर, ऐश्वर्या जो अपने हस्बैंड को ही कंट्रोल कर रही है, जब वो अपने हस्बैंड की ही बात नहीं सुन रही है, नील भट्ट को ही फटकार लगाती है, नील भट्ट को ही डांटती है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जनता आपको प्यार करेगी? फिर कैसे अंकिता सवाल ना उठाए? फिर कैसे अंकिता ने जब ये कहा कि पहले अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर लो, तो ऐश्वर्या क्यों जलकर खाक हो जाती है? अब मुनव्वर ने एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है, ब्रूटली एक्सपोज कर दिया है ऐश्वर्या और नील के इस ड्रामे को। मुनव्वर ने सबके सामने ये बातें कह दी कि आप लोग शो में तभी दिख रहे हो जब आप या तो अंकिता को या तो विक्की भैया को टारगेट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अंकिता बहुत स्ट्रांग है, अंकिता के साथ अगर आप लड़ती हो तो आप आती हो नज़र में, आपके बॉन्ड तभी दिखते हैं। नील को पता है कि विक्की भैया से लड़ेगा या फिर अंकिता को टोंट मारेगा तो वो भी लाइमलाइट में आएगा, और वो भी बिग बॉस इज द बॉस, बिग बॉस इज द गॉड बोलने वाले नील भट्ट भी तभी लाइमलाइट में आएंगे, तभी उनका बॉन्ड बना है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ दिनों पहले आयशा और मुनव्वर के रिलेशन पर सवाल उठा रही थी ऐश्वर्या शर्मा, चुगली कर रही थी, जहां पर सलमान ने भी फटकार लगाई है और मुनव्वर ने ये जो एक्सपोज किया है ना, उसके बाद ऐश्वर्या शर्मा का दो चेहरा, नील भट्ट का डबल रूप जो है वो अब सामने आ गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वाकई में मुनव्वर ने जो बातें कही है वो बिल्कुल ठीक है। ऐश्वर्या शर्मा तभी लोगों के सामने दिख रही हैं जब वो अंकिता को टारगेट कर रही हैं, अंकिता के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं, विक्की जैन और अंकिता के रिश्ते पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि विक्की जैन और अंकिता का रिश्ता बहुत प्यारा है और ऐश्वर्या और नील से तो लाख गुना अच्छा है, और ये बाहर दिख भी रहा है। मुनव्वर ने कहा कि मैं कभी किसी के साथ नहीं हूँ, मैं कभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक नोट किया है, मैंने यही नोट किया है कि आप अंकिता से हमेशा जो गई हो लड़ने, आप अंकिता को हमेशा गई हो पोक करने, आप अंकिता को हमेशा डिफेम किया है, आपने अंकिता के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है। अब मुनव्वर की इन सारी ही बातों से ना ऐश्वर्या शर्मा की बोलती तो बंद हो गई है, इवन नील भट्ट भी चुप हो गए हैं, क्योंकि नील के पास कोई जवाब नहीं है जब उनको पता है कि बात बिल्कुल सही है, और मुनव्वर जब एक्सपोज करने पर आएगा ना तो मुनव्वर वही बात बोलता है विद फैक्ट्स के साथ, जिस पर आपके पास कोई जवाब ना हो। ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के इस एक्सपोजर पर ना अंकिता खुश हो गई हैं, विक्की भैया के चार चांद लग गए हैं, विक्की और अंकिता में जश्न मनाते हुए नजर आए हैं, और बिग बॉस के वीकेंड के वार पे भी लगने वाली है ऐश्वर्या और नील की क्लास। आप बताना कमेंट बॉक्स में मुनव्वर के इस बयान पे आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।